वन आरो। हाँ बताओ 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 माँ राग यमन, राग यमन हम पढ़ चुके हैं। कौन से थाट का राग है? कल्याण थाट का राग है हाँ ना। और इसकी जाति क्या है? क्योंकि इसमें सातों स्वर हैं, तो ये कौन सी जाति का राग है? ये संपूर्ण मैम याद नहीं आ रहा, जाति का राग। कंफ्यूज हो जाती। हाँ ठीक है। अब ये जो म है ये मध्यम तीव्र कहलाता है। म तीव्र यानी कि अपने स्थान से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ स्वर तीव्र स्वर कहलाता है। ठीक है, तो म तीव्र स्वर है, तो इसको मे मत पढ़ना। म, और इसका सिंबल है जस्ट ऊपर स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब हम जब म गाते हैं जैसे सारे गा मा, ये शुद्ध हो गया। ठीक है, अब यमन में म अलग होगा। कैसे होगा? सारे गा मा, हम चढ़ गए एक सीढ़ी। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? सारे गा मा पा धा नी सा, ये क्या हुआ? शुद्ध। अब तीव्र गाएंगे तो कैसे गाएंगे? सारे गा मा पधा नी सा सानी दपमा कर। ठीक है, तो इसे इस तरह से गाएंगे। आरोह है इसका। दे दा, मैं तीव्र गा रही हूं मैं। ठीक है, रे गा पा धा नी मा कर सा। अब इसका पकड़ है नी गे सा पा अरे गे सा। ठीक है, फिर शुद्ध स्वर में एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कैसे गाते हैं। सारे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। सारे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। ये क्या है? शुद्ध स्वर है। ठीक है, अब इसमें मैं मध्यम तीव्र कर दूंगी तो वो राग यमन बन जाएगा। सारे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे
ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है शुद्ध स्वर और तीव्र स्वर का? यस मैम। हाँ, फिर पकड़। पकड़ यानी कि स्वरों का ऐसा समुदाय जिससे कि राग की हम पहचान कर सकें, कि हम उसे पहचाना जाएगा। ये छोटा सा टुकड़ा अगर हम गाएंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि ये कौन सा राग है, ठीक है। फिर इससे हमें राग की पहचान होती है। मेरे गहरे सा ठीक है। क्यों? अब ये हमने यमन कैसे पहचाना? क्यों? क्योंकि इसमें मध्यम तीव्र है, म तीव्र है, अपने स्थान से ऊंचा चढ़ा हुआ है ये, ठीक है। तो ये हुआ मध्यम तीव्र। धीरे गे सम गे ठीक है। मेरे अब इसका हम सरगम गीत लिखेंगे। तो पहले स्थाई लिखेंगे उसका। सरगम गीत को हम चार भागों में लिखेंगे, ठीक है। 4 डिवीजन हम उसके करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 16 मात्रा में बद्ध है, ठीक है। सरगम गीत का मतलब है जो कि किसी राग और ताल में बंधा हुआ हो, ठीक है। राग और ताल में बद्ध हो उसे सरगम गीत कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पे क्रॉस लिखा है, जो हमने यहाँ पर क्रॉस लिखा है, इस क्रॉस का मीनिंग है सम, यानी कि यहाँ से ताल की शुरुआत होगी। ओके, जब हम गाएंगे तो यहाँ पर आपका तबला प्ले होगा, यहाँ से ताल शुरू होगा, ठीक है। रिदम तब शुरू होगा, ठीक है।
सारी गए रामा पदा पामा गए गए सारी रामा पदा नीता ये सारी गए पामा रामा ये गए पामा पदा मंगा समझ में आया आप सभी को ये नृत्य? ठीक है, एक स्वर के नीचे जस्ट नीचे ही आपके सिंबल आपको लिखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इधर इधर सिंबल लिख देंगे, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट स्वर, ठीक है, डिवीजन का फर्स्ट स्वर जो है उसके नीचे ही सिंबल लिखेंगे। जैसे नीचे नीचे जीरो है तो नीचे नीचे ही जीरो लिखेंगे, द अ प के नीचे नहीं लिखेंगे। ओके, फिर मध्यम तीव्र के नीचे थ्री लिखेंगे, म के नीचे ही। तो यानी कि डिवीजन का फर्स्ट स्वर उसके नीचे ही हम ये सिंबल लिखेंगे। ओके, फिर प, प के नीचे हम क्रॉस, क्रॉस मीन्स सम, यानी कि जहां से ताल की शुरुआत होगी। ओके, फिर प के नीचे हम यहाँ पर टू लिखेंगे। ओके, यानी इसी स्वर के नीचे आप कहीं पर भी और नंबर्स और ये सब सिंबल नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसको कैसे गाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आरो आपको समझ में आया ना, शुद्ध और तीव्र मध्यम में डिफरेंस समझ में आया? इसको कैसे गाएंगे? ठीक है, अब सरगम गीत का स्थाई हम शुरू करेंगे। और ताल कहाँ से शुरू होगा? पंचम से। अब ये जो धा है, धा का अभी जो डैश है, इसका जो स्वर हम गाएंगे वो भी ध का ही स्वर हम बोलेंगे। या तो आप इसको ध ध प बोल सकते हैं, ठीक है, इसको रिपीट कर सकते हैं, यानी कि वो रिपीट वाला है। ठीक है, कैसे? ये टू टाइम आएगा। ये निधा पम पग म प पम गे सारी गे म प ग पम गे गे सा। अब यहाँ पे भी हमने सा के आगे डैश लगाया है, यानी कि यहाँ पर भी सा रिपीट होगा।
यानी सा का जो उच्चारण है वही हम उसको कंटिन्यू करेंगे, सा का आ। ओके अगेन फर्स्ट लाइन पे हम आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन टू टाइम है, फर्स्ट लाइन टू टाइम्स और सेकंड और थर्ड लाइन वन वन टाइम, और जब हम फिर से वापस अंतरा शुरू करेंगे तो लेकिन इसकी फर्स्ट लाइन फिर से रिपीट होगी लेकिन ओनली वन टाइम, ठीक है। पर मैम नीचे वाले में सा भी तो दो बार है ना, ये सा आ यानी कि हम इसी का उच्चारण करेंगे रिपीट, सा का ही उच्चारण हम रिपीट करेंगे। जैसे सा बोला तो सा में क्या उच्चारण आएगा आगे, सा यानी आ सुनाई दे रहा है ना, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके अब इसको मैं पूरा गा रही हूँ, ठीक है, स्थाई ध्यान से सुनेंगे। नी ध प ब प ग म प प म ग रे, नी ध प ब प ग म प प म ग रे सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे ग रे सा नी रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग म नि ध प म प ग म प। समझ में आया आप सभी को? यस मैम। हाँ एक बार ये ध्यान से सुन लीजिए फिर इसको हम रिपीट करेंगे। ओके नि ध प म प ग म प प म ग रे नि ध प म प ग म प प म ग रे सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे ग रे सा नी रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग म नि ध प म प ग म प प म ग रे सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे सा नि रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग म नि ध प म प ग म प, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया थोड़ा बहुत शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम में, ठीक है। सा रे ग म ग रे सा रे ग म म ग रे सा, ये कौन सा म मैं गा रही हूँ बताइए आप। सा रे ग म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा, ये कौन सा मध्यम है, शुद्ध है या तीव्र है? शुद्ध है मैम। वेरी गुड मैम, शुद्ध। वेरी गुड पृथ्वी, वेरी गुड। ये शुद्ध मध्यम है। सा रे ग म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प ध म ग रे सा, ये मध्यम शुद्ध है। सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा, अभी बताइए। सा रे ग म प ध प म ग रे ग म प प म ग म ग रे नि रे ग म ग रे नि ध प म प ग म। अभी कौन सा मध्यम है ये बताइए। मैम तीव्र। वेरी गुड, वेरी गुड पृथ्वी, वेरी गुड उत्कर्ष, वेरी गुड। ये तीव्र मध्यम है। तीव्र मध्यम यानी कि अपने स्थान से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ। ओके तो ये तीव्र मध्यम है, ठीक है। अभी फिर से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगी आपको,
ठीक है, अब बताना मुझे। मेरे दा मा दा मगरे सारे गा मा पा मगरे सा। अभी बताइए। मैम ये भी तीव्र है। हाँ तीव्र मैम, तीव्र ध्यान से सुनिए बेटा। मैम, तीव्र नहीं है, तीव्र दूसरा वाला है। मैम शुद्ध, मैम शुद्ध। ग मगरे सा। ये कौन सा मध्यम है? मैम ये तो तीव्र लग रहा है मुझे। लग रहा नहीं है, ध्यान से मध्यम, सुनिए। गमा गमा मगरे सा, गमा गमा मगरे सा, गमा ग पापा मगरे सा। मैम दूसरा वाला कौन सा तीव्र था? मध्यम मैम है शुद्ध ये, है ये? मैम ये शुद्ध है शुद्ध मध्यम। मैम, शुद्ध। हाँ ये शुद्ध मध्यम है। ठीक है, अब उसके बाद गमा पमगमगरे सा, गमपमगमग गमपमगरे सा। ये कौन सा मध्यम है? मगमगरे सा, ये कौन सा मध्यम? मगमगरे सा ही थे गमपमगमग गुरे गमपदपमग नहीं, गमा नहीं, नहीं, पर मैम गमा तीव्र, तो मैं ये सर्टिफिकेट बनवा गुड। लेता हूँ ट्रांस का। ये तीव्र और मध्यम है। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैम मैंने बोला आपको भी तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम समझ में आ गए। वेरी गुड वेरी गुड। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ओके ओके मैम। पर ये मैम तीसरा मान गए सा ये कर दे सा दीदा पा पा रे नीधा प म प ग म प म रे सा रे गे ग म प ध प म गे सा रे ग म प रे सा रे प म ग म नी ध म प ग म प म ग रे नी ध प म प ग म प म गे सा रे गे ग म प ध प म गे सा रे ग म प धनी सा रे सा नी ध प म ग म नी ध प म प ग म प। अभी इसका जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो पता है कैसे करेंगे इसको, हम इसका दुगुन भी करेंगे। कैसे? नी ध प प ग म प म ग रे नी ध प म प ग म प
ठीक है, इसका एंड इस तरह से करेंगे। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका अंतरा बाकी है और हम अंतरा नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ओके, तो इसका मैम प्रैक्टिस भी करना है। ओके मैम, मैम प्लीज साइड फॉर ए वाइल। ओके ओके ओके।